सर, सुनने में आया है कि जो आज का फायर विक्टिम्स है, तो उन लोगों को एकोमोडेशन के लिए आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, तो आप ज़रा बताएंगे आपका एकोमोडेशन के बारे। हाँ, आज हम करीबन 2 बजे उन लोग के चार्ज कंपाउंड का जस्ट मैंने बगल में उन लोग का एक ब्रादर का घर को आग जल गया। उसमें छः फैमिली परिवार था। जितना सामान था सब जल गया, उसका बाद सामान थोड़ा भी निकला नहीं है। इसीलिए हम लोग ये चर्च अंदर में जितना भी विक्टिम जो फायर विक्टिम जो फैमिली है, हम तो सब अभी हमारा स्कूल हॉस्टल में सब एकोमोडेशन दिया है। उसके बाद में चर्च के ओर से हम लोग जितना भी आज का जो भोजन खाना है, खाना पान जितना भी है, वो हम लोग चर्च की तरफ से आज वो लोग फायर विक्टिम को हम लोग दे रहा है। उसके बाद में चर्च की ओर से मैं हम सब प्रार्थना करते हैं जितना भी फायर विक्टिम है, प्रभु सभी को सुरक्षित और शांति और सही सलामत रखें। और ये हम लोग का ये जो आज का ये जो हम लोग जो एकोमोडेशन जो है आज तक का है, कल एडमिनिस्ट्रेशन आएगा होगा। एडमिनिस्ट्रेशन आने से वो कहाँ में रखेगा, कैसा करेगा, वो कल उसका तय होगा। सर, आपका ये जो एकोमोडेशन क्या है उसके बारे बताइए। हमारा एक स्कूल है, न्यू लाइफ स्कूल है, उसका स्कूल का हॉस्टल में हम लोग रखा हुआ है। सब वहाँ पे जुड़ रहा है और ज़रूरी पड़ने से और भी हम लोग क्लासरूम और भी खोल देने के लिए रेडी है, लेकिन जितना भी अभी खोल दिया है रूम, उसमें सब लोग सब परिवार लोग वहाँ पे सफिशिएंट होगी। सर, वहाँ पे खाना वाना का कैसा इंतजाम कर रहे हैं आप लोग? खाना तो हम लोग यहाँ पे अभी चर्च का हम लोग किचन में बना के जितना भी हमारा यहाँ का मैडम लोग है, औरत लोग है, वो बना के अभी आज रात को खिलाएगा, वो सब बना रहे अभी। अच्छा दीदी, आपका जो आज घर जला है उसका लोकेशन कहाँ पर है? ये लोकेशन जो ESS सेक्टर और RWG का बीच में है ना, तो अभी आपका एकोमोडेशन कैसा होगा? अभी हम लोग जो स्कूल का यहाँ में बैठने दिया है हॉस्टल में, स्कूल का हम लोग पास में स्कूल है, न्यू लाइफ मिशन स्कूल चर्च का तरफ से, रिवाइवल चर्च का तरफ से, वहीं में हॉस्टल में बॉयज़ हॉस्टल बंद था लॉकडाउन की वजह से, तो वहीं में हम लोग अभी बैठ रहे हैं, आज के लिए यहीं में बैठेगा।